एनएसयूआई के ऐतिहासिक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच कर रहे हैं ये लोग। जयपुर से दिल्ली जाएगी ये साइकिल रैली। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री हरीश चौधरी, अशोक चांदना, सुभाष गर्ग यहाँ पर मौजूद है। रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रैली को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया गया है। किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच कर रहे हैं सभी। एनएसयूआई की ऐतिहासिक साइकिल रैली, जहां पर हरी झंडी दिखाकर इस साइकिल रैली को रवाना किया गया है। जयपुर से दिल्ली तक जाएगी ये साइकिल रैली। ये किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच कर रहे हैं। जयपुर से दिल्ली जाएगी साइकिल रैली। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री हरीश चौधरी, अशोक चांदना, सुभाष गर्ग मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया गया है। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हैं लोग। और ये किसानों के आंदोलन के समर्थन में है। किसानों के समर्थन में ही दिल्ली कूच साइकिल रैली के माध्यम से। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना के इस काल में केंद्र सरकार आनन फानन में किसानों का विरोधी ये जो तीन बिल लेकर के आई है, इन बिलों को इस समय में लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। न इस पर कोई विधानसभाओं में चर्चा की गई, न कोई जनमत जाना गया, और सिर्फ केंद्र की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, इन हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी के कुछ कॉरपोरेट इनके जो मित्र हैं अंबानी अडानी, सिर्फ उनको फ़ायदा देने के लिए ये किसान विरोधी बिल लाए गए हैं। और आज 40 दिनों से देश भर के किसान सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी का मौसम है, बारिश हो रही है, और केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, सभी लोग इन कानूनों के खिलाफ लगातार आमजन के बीच में जा रहे हैं, और ये मांग भी की जा रही है। पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये मांग कर रहा है कि जो किसानों की जो मांग है ये जायज़ है, और केंद्र सरकार को इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगाना चाहिए और तत्काल इन तीनों ही काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कल सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने जयपुर में धरना दिया किसानों के समर्थन में। आज एनएसयूआई राजस्थान एनएसयूआई के द्वारा ये जो साइकिल रैली है, जो दिल्ली की तरफ हमारे हजारों छात्र हैं राजस्थान के एनएसयूआई के कार्यकर्ता, वो किसानों के पक्ष में साइकिलें लेकर के दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो और ये किसानों की जायज़ मांग जो है, किसानों के खिलाफ जो कानून काला कानून केंद्र सरकार लाई है उसको वापस लेने की मांग को लेकर ये सभी छात्र, वो पूरी एनएसयूआई हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी के नेतृत्व में आज रवाना होगी। और ये केंद्र सरकार को समय रहते इस कानून को वापस लेना चाहिए। यदि समय रहते नहीं लिया गया तो किसानों की इस मांग का जो आंदोलन है ये और ज़्यादा तेज़ होगा, और हर हालत में केंद्र सरकार को और मोदी जी को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि इस प्रकार की आतंकताई सरकार, जनता ने जिस किसान के वोट से ये सरकार बनी वो उसका नहीं हो करके जिसके पैसे से चुनाव लड़ा उनके हो गए। तो जो वजीर किसानों के होने चाहिए थे, किसानों के वोट से वजीर बने, वो आज पूंजीपतियों के वजीर बन के बैठ के आज 40 दिन से ज़्यादा होने के बावजूद भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं किसानों की। आज किस हाल में है, कितनी ठंड पड़ रही है, और उनको किसान जो बैठे हुए हैं उनको पता नहीं क्या क्या आतंकवादी बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उनको संज्ञा दे रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का हो नहीं सकता कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं जो किसानों की नहीं सुन के, अन्नदाता की नहीं सुन करके और पैसे दाता की सुन रहे हैं। सर, किसानों पे आंसू गैस फेंके जा रहे हैं और किसान कहना कि आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं फिर भी केंद्र सरकार उनकी आज 40 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, फिर भी कान पे जू नहीं रह गई इस मोदी सरकार की। ये पूंजीपतियों के साथ में जो इन्होंने षड्यंत्र किया था उनको लाभ देने के लिए, अपने चुनाव लड़ने के लिए, वो अब स्पष्ट हो गया है। और अडानी जैसे उद्योगपतियों ने तो बाकायदा विज्ञापन दे के किसानों के खिलाफ विज्ञापन दिया है कि साहब हम तो जो गोदाम बना रहे हैं वो गोदाम और एफसीआई को मजबूत करने के लिए, किस किसान ने कहा कि एफसीआई को तुमको मजबूत करने के लिए पैसे लगाने हैं? तो एफसीआई के साथ में कोलोब्रेशन करके, केंद्र सरकार से साजिश करके, जिस एफसीआई के गोदामों में गरीब को जो
फ्री में राशन दिया जाता है खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत, उस जो गोदाम है उनको भी समाप्त करने जा रहे हैं, अपने किसानों की जो उपज है उस पर डाका डाल करके वो कब्जा करना चाहते हैं। आज कितने रुपए लगे होंगे 70 साल में FCI के गोदाम बनाते हुए, वो सारे उन्होंने अडानी और अंबानी ने उन्होंने जो है उसके MOU करने जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए, फासिस्टी लोग सत्ता में आ गए जो देश को तोड़ना चाहते हैं, केवल हिंदू मुस्लिम करके ये आ गए, दूसरी बार सेना का जो सॉरी है उसके पीछे छिप करके आ गए, लेकिन अब बचने वाले नहीं है। किसान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें पूरा देश उनके साथ में है। सर मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों के बिल को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कांग्रेस कहाँ भ्रम फैला रही है, 40 दिन से किसान त्राई माम कर रहा है, वो कह रहा है मोदी जी सुन ले हमारी भी बात, सुन ले तेरी मन की बहुत सुन ली 7 साल तक, अब तो हमारी सुन ले। अब उसके मन की बात सुनते सुनते सारे तंग आ गए, और मन बेईमान होता है, आत्मा कभी बेईमान नहीं होती, जो किसान की आत्मा रो रही है उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं ये लोग। सर आप किसानों से अंतिम दौर की एक तरीके से वार्ता होगी केंद्र सरकार, कोई गुंजाइश नहीं लग रही हमको तो, क्योंकि जो पहले से गेम सेटिंग होके काम किया गया है, अब अगर वो गेम बिगड़ता है तो मोदी सड़कों पर आ जाता है और उसको झोला उठाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उसको जाना पड़ेगा।